नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 नवंबर दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में शिक्षक ट्रांसफर की नई गाइडलाइन जारी, इन विशेष कारणों पर ही मिलेगी पोस्टिंग, 1 से 15 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। शीतकालीन सत्र की सुरक्षा तैयारियां, स्पीकर की अध्यक्षता में हुई बैठक, धरना प्रदर्शन के लिए भी की गई विशेष व्यवस्था। राजगीर में अब होगा पुरुष एशिया कप, राजगीर में खेला जाएगा 2026 विश्व कप क्वालिफायर, राजगीर को मिलेगा पर्यटन में बढ़ावा। बिहार में 3000 पुलिस कर्मियों को प्रमोशन, 1 महीने के अंदर मिलेगी प्रोन्नति, रिटायरमेंट से खाली हुई सीटों को भरने की योजना। आपके एटीएम कार्ड में छिपे हैं कई फीचर्स, मिनी स्टेटमेंट से लेकर क्रेडिट कार्ड बिल भरने तक एटीएम से चेकबुक भी कर सकते हैं ऑर्डर। बिहार में आधार कार्ड अभियान शुरू, आधार कार्ड बिना अपार कार्ड नहीं बन सकता, 25 नवंबर तक अपार कार्ड बनाने के लिए अभियान। बुमराह की बेजोड़ गेंदबाजी से फायदा, ऑस्ट्रेलिया के महज 67 पर गिरे 7 विकेट, दूसरे दिन की शुरुआत सुबह 7:50 से। अब चलिए बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने दुर्गापुर स्टील प्लांट DSP में नर्स एफिशिएंसी ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती विभिन्न विभागों जैसे ICU, मेडिसिन, सर्जरी, बाल चिकित्सा, ऑर्थोपेडिक्स, कोविड और अन्य संबंधित क्षेत्रों के लिए है। उम्मीदवारों को BSc नर्सिंग या GNM डिप्लोमा के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए और संबंधित नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा, जो 3 से 5 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को 10,000 रुपये स्टाइपेंड और 7,020 रुपये नॉलेज इनहेंसमेंट अलाउंस मिलेगा। उम्मीदवार सेल की ऑफिशियल वेबसाइट sale.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बीते दिन शुक्रवार को BPSC और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब शिक्षकों को अपनी वर्तमान पोस्टिंग और चॉइस पोस्टिंग के बीच की दूरी बतानी होगी और लिखित आवेदन को ई शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अब ट्रांसफर के लिए 7 ऑप्शन भरने होंगे, जिनमें विशेष कारण होने चाहिए, जैसे महिला शिक्षकों के लिए पति की पोस्टिंग या किडनी, हृदय और लीवर से संबंधित गंभीर बीमारी, दिव्यांग आधार के साथ ऑटिज्म और मानसिक बीमारी, विधवा और परित्यक्ता के आधार पर ट्रांसफर किया जाएगा। BPSC और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए शिक्षकों को 3 विकल्प देना होगा। आवेदन 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन लिया जाएगा। जिन्होंने पहले आवेदन किया था वो रद्द माना जाएगा। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे गया के प्रेतशिला पर्वत के बारे में। प्रेतशिला पर्वत का धार्मिक महत्व अत्यधिक है, जहां पिंडदान और श्राद्ध कर्म से अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में भटकते प्राणियों को मुक्ति मिलती है। यहां देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग अपने पूर्वजों का पिंड दान करने आते हैं। यह पर्वत वायु पुराण में वर्णित है और गया के उत्तर पश्चिम में स्थित है। श्रद्धालु यहां 400 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पर्वत पर पिंड दान करते हैं और यदि चढ़ाई संभव न हो तो नीचे स्थित तालाब या शिव मंदिर में श्राद्ध करते हैं। प्रेतशिला पर्वत पर ब्रह्मकुंड में स्नान करने के बाद पिंड दान किया जाता है, जिससे पितरों को शांति मिलती है। यहाँ श्री राम, लक्ष्मण और सीता माँ का भी संबंध जुड़ा हुआ है। बिहार सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस दिशा में पटना सहित 50 जगहों पर नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC खोले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि हाजीपुर में 30 बेड वाला नया CHC बनेगा, जबकि प्रखंड स्तर पर जहां भूमि उपलब्ध है वहां पर नए भवन बनाए जाएंगे। इन केंद्रों से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी। पटना जिले में दानापुर, औरंगाबाद में कुटुंबा, बांका में बौंसी, अमरपुर कटोरिया, भागलपुर के नाथनगर, पीरपैंती, सुल्तानगंज, भोजपुर में संदेश, जगदीशपुर, दरभंगा में मनीगाछी, गया में डुमरिया, चाकंद, जमुई में झाझा, जहानाबाद में सिकरिया, घोस, कटिहार में अहमदाबाद में CHC बनेगा, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 29 नवंबर तक चलेगा। इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। बीते दिन स्पीकर नंद किशोर यादव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सत्र की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, बिहार के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सत्र के दौरान त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और धरना प्रदर्शन के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। गर्दनीबाग में धरना स्थल बनाया गया है। इस सत्र
में राज्य सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी और विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। गया के इमामगंज और बेलागंज विधानसभा की सीटों की मतगणना के लिए गया कॉलेज के मानविकी भवन में विशेष केंद्र बनाया गया है। यहां 28 टेबल और 11 राउंड में मतगणना आज की जाएगी। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने मतगणना की पूरी तैयारी की समीक्षा की और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बेलागंज में RJD के विश्वनाथ यादव और जदयू की मनोरमा देवी के बीच मुकाबला है, जबकि इमामगंज में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी और राजद के रोशन मांझी के बीच कर है। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की सफलता के बाद बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पुरुष एशिया कप की मेजबानी के लिए तैयार है। बिहार के राजगीर में अगले साल 27 अगस्त से 7 सितंबर तक पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, जो 2026 विश्व कप का क्वालिफायर भी होगा। टूर्नामेंट में 8 देशों की टीमें भाग लेंगी, जिसमें पाकिस्तान की टीम की आने की उम्मीद है। इस टूर्नामेंट में विजेता को 2026 विश्व कप में सीधा प्रवेश मिलेगा। इससे राजगीर में पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राज्य में IT प्रक्षेत्र के आधारभूत संरचना को विकसित एवं IT आधारित उद्योगों में निवेश तथा प्रोत्साहन प्रदान किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा IT प्रक्षेत्र में कार्यरत स्टार्टअप्स के लिए रेंट फ्री स्पेस आवंटन के संबंध में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके लिए आप स्क्रीन पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 नवम्बर तक है। 9वां तथा 13वां फ्लोर पर बिस्कुमान भवन में रेंट फ्री स्थल आवंटन किया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी ₹2000 है, जिसे ऑनलाइन भुगतान करना होगा। ATM का उपयोग पैसे निकालने के अलावा कई अन्य कार्यों के लिए भी किया जा सकता है, जो अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। आप ATM से मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, जिसमें पिछले 10 ट्रांजैक्शंस की जानकारी होती है। इसके अलावा आप ATM से चेक बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ ATM में पैसे ट्रांसफ़र करने की सुविधा भी है, जिसमें अकाउंट नंबर और IFSC कोड की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ATM से क्रेडिट कार्ड बिल भी भरा जा सकता है, लेकिन यह सुविधा केवल वीज़ा क्रेडिट कार्ड पर उपलब्ध है। सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड के मुरादपुर गांव की अपूर्वा चौधरी ने प्रसिद्ध टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति KBC में हॉट सीट पर बैठकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अपूर्वा ने 3,20,000 रुपये जीते और एक सवाल में गलती के कारण 6,00,000 रुपये पर खेल खत्म किया। अपूर्वा ने BIT मिश्रा से MBA की पढ़ाई की और वर्तमान में एक HR कंपनी में कार्यरत हैं। उनकी शादी बैंक अधिकारी रोमित चौधरी से हुई है और वे अभी चेन्नई में रहती हैं। उनके परिवार और गाँव में इस सफलता पर खुशी का माहौल है। उन्होंने मुरादपुर और महिषी गांव का नाम रोशन किया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में करीब 25 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं, जिससे उनकी अपार यानी स्वचालित अस्थाई सेक्शनल रजिस्ट्री ID कार्ड बनाने में समस्या आ रही है। शिक्षा मंत्रालय ने वन नेशन वन ID योजना के तहत अपार कार्ड को अनिवार्य किया है। बच्चों के आधार कार्ड के बिना अपार कार्ड नहीं बन सकता। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने 16 नवंबर से 25 नवंबर तक अपार कार्ड बनाने के लिए अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बच्चों के शैक्षिक डेटा को एक डिजिटल ID के रूप में एकत्रित करना है। बिहार में 3,000 पुलिसकर्मियों को एक महीने के भीतर प्रमोशन दिया जाएगा, जिसमें सिपाही, ASI, SI और अन्य रैंक के पुलिसकर्मी शामिल हैं। इससे पहले 11,789 पुलिसकर्मियों को कार्यकारी प्रभार में प्रोन्नति दी गई थी। पुलिस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने इस निर्णय की जानकारी दी और कहा कि रिटायरमेंट से खाली हुई सीटों को भरने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा ADG ने आगे कहा कि बिहार कैडर के 5 नए IPS अधिकारियों को विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण के लिए जिला आवंटित किया गया है। पटना हाई कोर्ट में बिहार राज्य में मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित मामले पर सुनवाई 17 जनवरी 2025 को होगी। यह सुनवाई आकांक्षा मालवीय की जनहित याचिका पर बीते दिन हो रही थी, जिसमें बताया गया कि सारण प्रमंडल में कोई मेडिकल कॉलेज या मनोचिकित्सक नहीं है। कोर्ट को बताया गया कि राज्य में मानसिक स्वास्थ्य रिव्यू बोर्ड का गठन किया जा चुका है, लेकिन सारण प्रमंडल में यह बोर्ड अभी तक नहीं बना है। राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर कार्रवाई की है, हालांकि फंड की उपलब्धता पर अभी काम किया जाना है। पहले बताया गया था कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ मानसिक रोग के अध्ययन और इलाज के लिए कोई कॉलेज नहीं है।
सोनपुर हरिहर क्षेत्र मेला में बिहार पुलिस ने शुक्रवार को जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। पुलिस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि इस कार्यक्रम में 13 जनोपयोगी विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजनों को जागरूक करना और बिहार पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों से अवगत कराना है। कार्यक्रम फेसबुक लाइव के माध्यम से बिहार पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप देख सकते हैं, इसे प्रसारित किया जा रहा है। सोशल मीडिया लिंक आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। प्रसारित वीडियो या रील्स या शॉर्ट वीडियो बनाकर सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट भी किया जाएगा। इसमें विभिन्न विषयों पर जानकारी दी जा रही है और पंपलेट भी वितरित किए जा रहे हैं। यह आयोजन 12 दिसंबर तक किया जाएगा। व्हाट्सएप ने एक नया फीचर पेश किया है जिसमें वॉइस मैसेज का टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन देखने की सुविधा दी गई है। मतलब ये कि यह फीचर खासकर उन स्थितियों में उपयोगी है जब कोई आपको वॉइस मैसेज भेजे और आप उसे सुनने की स्थिति में नहीं हो, कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर हो तो आप उसे पढ़ सकते हैं। जी हाँ, इसे इस्तेमाल करने के लिए व्हाट्सएप सेटिंग्स में जाएँ, चैट ओपन करें, वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट को ऑन करें और मनचाही भाषा चुनें। वॉइस मैसेज पर टैप करके रखें, फिर ट्रांसक्राइब पर टैप करें। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में ज़्यादा जानकारी पाने के लिए वॉइस मैसेज में एक्सपेंड आइकॉन पर टैप करें। यूज़र्स को इसे ऑन करने के बाद वॉइस मैसेज के नीचे ट्रांसक्रिप्ट दिखाई देगा जो केवल रिसीवर को ही नज़र आएगा। फिलहाल यह फीचर एंड्रॉयड और आईओएस पर कुछ चुनिंदा भाषाओं में उपलब्ध है। दानापुर कैंट में 10 से 20 दिसंबर तक आयोजित होने वाली अग्निवीर सेना भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। नई तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी, यह जानकारी अग्निवीर सेना भर्ती कार्यालय द्वारा दी गई है। बिहार के 7 जिलों पटना, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली के शॉर्टलिस्ट किए गए पुरुषों और बिहार झारखंड अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस के लिए यह भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही थी। अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए www.joinindianarmy.nic.in पर जा सकते हैं। बिहार में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है, जहां तापमान कभी गिरता है तो कभी बढ़ता है। न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक है और मॉनसून में बारिश भी कम हुई थी। ठंड की शुरुआत अभी धीमी है, जबकि पछुआ हवाओं का भी असर कम है। प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और कई जिलों में एयर क्वालिटी खराब है, बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। बिहार में अगले सप्ताह से ठंड बढ़ने की संभावना है। पटना में बीते दिन सुबह का AQI 236 दर्ज किया गया, जो प्रदूषण की स्थिति को दर्शाता है। मौसम फिलहाल शुष्क और साफ रहेगा। मुजफ्फरपुर के मोतिहारी थाना क्षेत्र के मोरसंडी NH-27 के पास उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक से 340 पेटी विदेशी शराब जब्त की। शराब की कीमत लगभग 35 से 40 लाख रुपए बताई गई है। ट्रक चालक हरियाणा के पानीपत का निवासी मोहम्मद नईम था, जो शराब की पेटियों को जूट के बोरे में छिपाकर यूपी से लाकर मुजफ्फरपुर में सप्लाई करने आया था। शराब चंडीगढ़ की बनी हुई थी और ट्रक का नंबर नागालैंड का था। पूछताछ के दौरान लोकल माफिया की पहचान की गई है और आगे की कार्रवाई जारी है। उपभोक्ता वे लोग हैं जो वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं या उनका लाभ उठाते हैं। वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने से लेकर उन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने तक की प्रक्रिया में ग्राहक के रूप में उनके पास कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं, जिनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: जीवन तथा संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुओं से सुरक्षा का अधिकार, वस्तुओं तथा सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, मानक तथा मूल्यों के संबंध में सूचना पाने का अधिकार, वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रतिस्पर्धा मूल्यों पर चयन का अधिकार, उपभोक्ता हितों के संबंध में उपयुक्त मंचों पर सुनवाई का अधिकार और अनुचित व्यापार पद्धतियों अथवा शोषण के विरुद्ध राहत पाने का अधिकार। बिहार यात्रा के 5वें चरण में शुक्रवार को उपेंद्र कुशवाहा ने जमुई में कहा कि 20 साल से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में अच्छा काम हो रहा है और राज्य में राजग सरकार की वापसी निश्चित है। कुशवाहा ने केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कामों जैसे मुफ्त इलाज योजना और गरीबों के लिए विभिन्न योजनाओं की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से व्यक्तिगत संबंध अच्छे और पार्टी यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को जदयू में मर्ज करने की बात पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी मजबूती से राजग गठबंधन का हिस्सा है। कुशवाहा का देश राजग की सरकार को बिहार में मजबूत करना है। सांसद अरुण
भारती ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के एनडीए से जुड़ने के खिलाफ विरोध के बारे में खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 2014 में चिराग पासवान के नेतृत्व में एलजेपी ने एनडीए में शामिल होने का फैसला लिया, जिसमें स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी आशंकित थे, लेकिन सबसे बड़ा विरोध उनके छोटे भाई पशुपति कुमार पारस से आया। पारस इस विचार के पूरी तरह खिलाफ थे। उन्होंने इसे लेकर अपनी असहमति साफ जाहिर की और गठबंधन के खिलाफ अपनी बात रखी। बावजूद इसके चिराग पासवान ने अपनी दूरदर्शिता और नेतृत्व से न केवल अपने पिता को मनाया बल्कि पार्टी को भी एनडीए का हिस्सा बना लिया, जो एलजेपी के लिए ऐतिहासिक निर्णय साबित हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ टेस्ट के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत की पहली पारी 150 रन पर सिमटने के बाद ऑस्ट्रेलिया 67 रन पर 7 विकेट गंवा चुका था। बुमराह ने आक्रामक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए, जबकि सिराज और हर्षित राणा ने भी महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। नीतीश रेड्डी ने भारत की तरफ से सर्वाधिक 41 रन बनाया। ऋषभ पंत 37 और केएल राहुल ने 26 रनों का योगदान दिया। भारत के कमजोर बल्लेबाजी प्रदर्शन के बावजूद ऑस्ट्रेलिया उससे भी कमजोर नजर आया। अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से दबाने की कोशिश करेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया अगले दिन वापसी करने का प्रयास करेगा। दूसरे दिन का मैच आज सुबह 7:50 से शुरू होने जा रहा है। हालिया प्रदर्शन को देखते हुए आपको क्या लगता है, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पर विजय हासिल करने में कामयाब हो पाएगी? अपना जवाब हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1983 में भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। 2008 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के दूसरे चरण में 65% वोट डाले गए। आज ही के दिन 1926 में सत्य साई बाबा आध्यात्मिक गुरु का जन्म हुआ था। 1930 में गीता दत्त प्रसिद्ध पार्श्व गायिका का जन्म हुआ था। 1897 में नीरद चंद्र चौधरी बांग्ला तथा अंग्रेजी लेखक और विद्वान का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 2023 में फातिमा बीवी का निधन हुआ था। आज के दिन 1937 में जगदीश चंद्र बोस जो कि एक वैज्ञानिक थे उनका निधन हुआ था। आज के दिन राष्ट्रीय औषधि दिवस सप्ताह और राष्ट्रीय एकता दिवस सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है। नवंबर सीरीज के एक्सपायरी के दिन भारतीय शेयर बाजार ने शानदार प्रदर्शन किया। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही सकारात्मक रुझान के साथ बंद हुए। निफ्टी 557.35 अंक चढ़कर 30,907 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 1,961.32 अंक की बढ़त के साथ 79,117 पर पहुंचा। सेंसेक्स में 30 में से सभी शेयर हरे निशान में रहे, जबकि निफ्टी के 50 में से 49 शेयरों में तेजी आई। बैंकिंग, आईटी और रियल एस्टेट सेक्टर में खासा उछाल देखा गया। हालांकि मीडिया सेक्टर में गिरावट रही। बीएसई का मार्केट कैंप 432.70 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया। दिल्ली का खान मार्केट अब वैश्विक रिटेल बाजारों की टॉप लिस्ट में शामिल हो गया और भारत का सबसे महंगा रिटेल बाजार बन गया है। कूशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट के मुताबिक खान मार्केट वैश्विक रिटेल बाजारों की शीर्ष सूची में 22वें स्थान पर है, जहां प्रति वर्ग फुट रेंट 19,330 रुपये है। इसमें 7% की सालाना वृद्धि देखी गई है। खान मार्केट की उच्च रेंटल दरों का कारण यहाँ सीमित रिटेल स्पेस और हाई एंड ब्रांड्स की मौजूदगी है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में मिलान का मोंटे नापोलियन अब सबसे महंगा रिटेल डेस्टिनेशन बन चुका है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आते हैं। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारा आज का पहला सवाल है, बोधगया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था? ऑप्शन ए ग्रहवर्मन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी शशांक, ऑप्शन डी राज्यवर्धन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शशांक। आज का दूसरा सवाल है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए श्रीमती संध्या सिन्हा, ऑप्शन बी श्रीमती अघोर कामिनी देवी, ऑप्शन सी परमेश्वरी देवी, ऑप्शन डी श्रीमती कौशल किशोर कामिनी देवी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रीमती अघोर कामिनी देवी। आज का तीसरा सवाल है, बिहार में 1967 में जिगड़ का टुकड़ा कहा गया? ऑप्शन ए छात्रों को, ऑप्शन बी उद्योगों को, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन डी किसानों को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए छात्रों को। आज का चौथा सवाल है, नई दिल्ली में आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
के सातवें सत्र में कौन इसके तीसरे महानिदेशक चुने गए हैं? ऑप्शन ए आशीष खन्ना, ऑप्शन बी विजडम अहियाता कुटोगोबो, ऑप्शन सी अजय माथुर, ऑप्शन डी गोसाई मैंगिस्टी अबेने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आशीष खन्ना। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, निम्न में से किस शहर में 5 से 7 नवंबर तक वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी शंघाई, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी लंदन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पेरिस। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं रंजीत मिश्रा, अशोक कुमार, गुनाज शर्मा, श्लोक राज, मोतीलाल कुमार, कामेश्वर सिंह, संजीव कुमार, मोहम्मद शाकिर हुसैन, उमेश ऋषिदेव, अतीक खान, नरेंद्र कुमार और रवि मोहन वर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आप अपने क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं से संतुष्ट हैं? अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज से देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।